हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? बस लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, हमारा जो फेब्रुआरी मंथ का इलाइट पास है गाइस, उसका जो प्री एक्सेस है वो मेरे हाथ लग चुका है। हाँ गाइस, हमारा जो फेब्रुआरी मंथ का इलाइट पास जो मैं इसे वीडियो में कवर करूंगा, तो गाइस ये प्यारा सा एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस मत करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो का लास्ट पे एक लाइक कर देना। चल गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। जैसे कि गाइस मैं आप लोगों को बताया था कि फेब्रुआरी मंथ का जो इलाइट पास है वो बेसिकली जो हमारा हंस है, हंस का थीम के ऊपर बनेगा। तो गाइस आप उसका रिवॉर्ड वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड जो बेसिक सा थीम है वो है हंस, मतलब जो आप लोग डार्क कहते हो गाइस। जब आपके पास जीरो बैज रहेगा एंड आप इलाइट पास परचेस कर लोगे तो आपको ए वाला जो पिकअप ट्रक का स्किन है वो देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस जब 5 बैच कंप्लीट करोगे तो 5 बैच का बदले में ये आपको फ्री अवतार देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस 10 बैजेस पे आपको ए वाला अवतार देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको इलाइट पास परचेस करना होगा। 15 बैजेस पे आपको एक फीमेल का टॉप देखने को मिल जाएगा। बेसिकली उसका रिव्यू देख पा रहे होंगे गाइस, ये जो वेस्ट है ये वेस्ट हाइट नहीं करता एंड हर एक इलाइट पास में दिया जाता है, बेसिकली कोई यूज नहीं करता। उसके अलावा गाइस 30 बैच के अंदर आप लोगों को एक बैनर देखने को मिलेगा जो यूनिक सा नहीं है, हर एक इलाइट पास के अंदर रहता है। एंड 40 बैचेस के अंदर आप लोगों को एक मेल का टॉप देखने को मिलेगा जो लेर की जैसा वेस्ट हाइट नहीं करता और कोई यूज भी नहीं करता, यूज करता है जिसके पास एक भी नहीं है। उसके अलावा गाइस 50 बैचेस के ऊपर आपको ये बंडल देखने को मिल जाएगा इलाइट पास परचेस करने का बाद गाइस, जिसके अंदर आपको फेस पेंट देखने को मिल रहा है। जो बाल है वो बाल थोड़ा पेपर टाइप का है, मतलब जो नीचे है नीचे थोड़ा मुरा टाइप का है। जूता भी देख पा रहे होंगे, एक जूता व्हाइट है और दूसरा ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। पैंट देख पा रहे होंगे, एक पैंट पूरा है और एक पैंट बीच में से फटा है। देन गाइस टॉप भी आप देख पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा इलाइट पास है ये डार्क का थीम के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद गाइस आप जब 80 बैच कंप्लीट कर लोगे तो आपको एसकेएस का स्किन देखने को मिल जाएगा, लाइट पास लेने का बाद ही आप लोगों को मिलेगा। गाइस आप 100 बैच कंप्लीट करोगे तो गाइस आप लोगों को एक और मेल का टॉप देखने को मिल जाएगा, वेस्ट हाइट नहीं करता तो कोई यूज भी नहीं करता। उसके अलावा गाइस हमारा जो इलाइट पास है, इलाइट पास का 100 नंबर जो बैच है, 100 नंबर बैच के ऊपर आप लोगों को ये वाला सरबोर्ड देखने को मिल जाएगा। बेसिकली सरबोर्ड बहुत ही यूनिक सा है, पर मुझे जितना रिव्यू करते करते लग रहा है कि ये बहुत छोटा टाइप का है, पर मैं इन गेम रिव्यू जल्दी लाऊंगा एंड आप लोगों को दिखाऊंगा कि गेम के अंदर ए वाला सरबोट कैसे देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस आप जब 115 मतलब 115 बैच कंप्लीट कर लोगे आप लोगों को एक और बैनर देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस 125 मतलब 125 बैच में आप लोगों को एक फार्मास का गन स्किन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट वगैरह है नहीं, जस्ट थीम के ऊपर है, लेजेंडरी नहीं है तो लॉबी में भी नहीं शो कर पाओगे। उसके अलावा गाइस आप लोगों को 135 बैजेस के ऊपर एक और अवतार देखने को मिलेगा एंड 140 बैजेस के ऊपर आप लोगों को एक इवोल्यूशन स्टोन देखने को मिलेगा। गाइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है गाइस सुबह का 3 बजे। हाँ गाइस अभी रात है, रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो वॉइस थोड़ा हल्का आ रहा है और थोड़ा डाउन आ रहा है, बकबक करूंगा तो बाहर से पिटाई पड़ेगा। उसके अलावा गाइस 150 बैजेस के ऊपर आप लोगों को एक बैनर देखने को मिल जाएगा जिसका रिव्यू आप देख होंगे, मतलब रिव्यू तो और क्या, मतलब ये फोटो दिखाना और दिखाना ऐसा ही बात हुआ, इसके अंदर कोई एनिमेशन या लेजेंडरी वगैरह होता भी नहीं है। उसके अलावा गाइस 150 बैजेस के अंदर आप लोगों को एक लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली देख पा रहे होंगे जो हमारा डार्क है, डार्क थोड़ा पागरा हुआ है एंड जो बटरफ्लाई है बटरफ्लाई उड़ रहा है। बेसिकली ये जो इलाइट पास का कॉन्सेप्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके अलावा गाइस जब आप 170 बैच कंप्लीट कर लोगे आपको 10 मैजिक फ्रेगमेंट देखने को मिल जाएगा जिसके लिए आपको इलाइट पास परचेस करना होगा। एंड 180 बैजेस के अंदर आप लोगों को एक बैकपैक का स्किन देखने को मिल जाएगा जो वो डार्क का थीम के ऊपर बेस्ड है। लेवल 3 में आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा, लेवल 2 में उससे कुछ छोटा टाइप का देखने को मिलेगा एंड लेवल 1 में उससे भी छोटा। एंड मुझे जितना लग रहा है कि ये पेपर कार्ड टाइप का देखने को मिल रहा है। तो ये है बैकपैक का स्किन, देख चुके हो।
इसके अलावा गाइस 200 बैच कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फ्री में एक पैराशूट का स्किन देखने को मिलेगा जिसका नाम है व्हील स्वान। तो पैराशूट का स्किन हर एक का कलेक्शन में बहुत सारा प्यारा रहता है, तो आपको चाहिए तो ले सकते हो। उसके अलावा गाइस 200 बैचेस के अंदर आप लोगों को एक इमोट देखने को मिल जाएगा जिसके लिए आप लोगों को इलाइट पास परचेस करना होगा। जो इमोट है गाइस, इमोट मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। एंड हर एक का कुछ डिमांड रहता है कि मुझे ऐसा इमोट अच्छा लगता है एंड किसी का अच्छा नहीं लगता है, तो आपको कैसा लगा बता देना। एंड गाइस जो हमारा मेन प्राइस आ रहा है 225 बैच, मतलब जब 225 बैच कंप्लीट कर लोगे जो इलाइट पास का जो मेल का कॉस्ट्यूम है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। गाइस मेल का कॉस्ट्यूम के अंदर जो फेस पेंट है वो बहुत ही यूनिक सा लग रहा है, मुझे पता है कि आप लोगों को भी ये अच्छा लग रहा है, सीरियसली ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा गाइस जो बाल है वो बाल भी आप देख पा रहे होंगे। गाइस जो मुँह है, मुंह का पोजीशन में पूरा आधा आधा ढक चुका है, मतलब जो आंखें है वो आंखें दिख ही नहीं रहा है। इसके अलावा गाइस जूता भी आप देख पा रहे हो। उसके अलावा पैंट है, पैंट के अंदर कुछ छोटे मोटे लेजेंडरी कुछ एनिमेशन एंड इफेक्ट दिया गया है। एंड जो बॉडी का पोर्शन भी आप देख पा रहे हो, मुझे जितना लगता है कि डार्क का थीम के ऊपर है एंड जो पेपर कार्ड है वो पेपर कार्ड दिया गया है। उसके अलावा गाइस जो इसका ट्रेलर है, ट्रेलर मेरे हाथ अभी तक नहीं लगा। गाइस इसका जो ट्रेलर है मेरे हाथ लग जाता है तो मैं आप लोगों के साथ तुरंत शेयर कर दूंगा। गाइस यही था हमारा फेब्रुअरी मंथ का इलाइट पास का रिव्यू। आशा करता हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हाँ गाइस वीडियो छोड़ के जाने से पहले एक छोटा सा एंड प्यारा सा कमेंट कर दो कि गाइस आप लोग जितना सारा कमेंट करोगे तभी तुम्हारा इस भाई का वीडियो चलेगा यार। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा। खुद का ख्याल रखना, खुद का फैमिली का भी ख्याल रखना।